नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डिजिटल एजुकेशन बाय राठौड़ ब्रदर्स यूट्यूब चैनल में आप सब विद्यार्थियों हार्दिक स्वागत है। आज आप भणवाना छे धोरण 10 विषय गणित एनसीईआरटी अभ्यासक्रम में चेप्टर नंबर 3 द्विचल सुरेख समीकरण युग में जेम भाग 3 एनी अंदर स्वाध्याय 3.1 एम प्रश्न नंबर 3। तो आगाउ आपणे स्वाध्याय 3.1 ना प्रश्न 1 अने 2 शीखी गया छे अने आज आपणे आ वीडियो लेक्चर में शीखवाना छे स्वाध्याय 3.1 एम प्रश्न नंबर 3। तो एक दिवसे 2 किलोग्राम सफरजन और 1 किलोग्राम द्राक्ष की किंमत रूपया 160 थी। एक महीना पछी 4 किलोग्राम सफरजन और 2 किलोग्राम द्राक्ष की किंमत केटली छे 300 रूपया। तो आ परिस्थिति ने बेजिक और भौमितिक रीते दर्शाओ। तो अगाउना वीडियो लेक्चर में जोयुं हतुं एज रीते बेजिक रीत एटले के समीकरण की रीत, भौमितिक रीत एटले के आलेख की रीत, बराबर। तो समीकरण और आलेख बंने बनावाना छे। અહીંયા આપણને બે રાશિઓ આપેલી છે, સફરજન અને દ્રાક્ષ। તો બંનેને ધારી લઈએ કે ધારો કે 1 કિલોગ્રામ સફરજનની કિંમત 1 રૂપિયા છે અને 1 કિલોગ્રામ દ્રાક્ષની કિંમત 2 રૂપિયા છે, बराबर। 1 किलोग्राम सफरजन की किंमत 1 रूपया छे, जारे 1 किलोग्राम द्राक्ष की किंमत केटली छे 2 रूपया। हवे अहींया पेलो आपेलो छे 2 किलोग्राम सफरजन अने 1 किलोग्राम द्राक्ष की किंमत 160। तो ए लखीए के भाई 2 किलोग्राम सफरजन अने 1 किलोग्राम द्राक्ष की किंमत 160 रूपया छे। तो आना उपरथी आपणे प्रथम समीकरण बनावशुं। 2 किलोग्राम सफरजन एटले 2x, 1 किलोग्राम द्राक्ष एटले y, एनी किंमत छे 160, समीकरण नंबर 1। त्यार पछी बीजुं समीकरण अहींया बने छे 4 किलोग्राम सफरजन अने 2 किलोग्राम द्राक्षनी किंमत केटली छे 300। तो ए लखीए के 4 किलोग्राम सफरजन अने 2 किलोग्राम द्राक्षनी किंमत रूपया 300 छे। तो आज रीते समीकरण बनशे, सफरजन एटले x, 2 किलोग्राम द्राक्ष एटले 2y बराबर केटला थशे 300। बधाने 2 वडे भागता, कारण के 4 एटले 2 दू 4, 2 कॉमन निकळशे अहीं 300 एटले 150 / 2 एटले 300। तो 2x अहींया y बराबर 150, समीकरण नंबर कयो आवशे 2। तो आ रीते आपणने 2 समीकरणो मळे छे। હવે આ આપણને બેઝિક રીતે 2 સમીકરણો તો મળી ગયા, પણ હજી આને આપણે ભૌમિતિક એટલે આલેખની રીતે હજી આપણે દર્શાવવાના બાકી છે, હજી આલેખ દોરવાનો બાકી છે। તો પહેલા તો આનું લખી નાખીએ બેઝિક સ્વરૂપ। તો બેઝિક સ્વરૂપ આપણને મળે છે 2x + y = 160 અને 2x + y = 150। હવે આ બંનેને આપણે આલેખમાં દર્શાવીએ। तो पहला तो सौ प्रथम तो बने आलेख ना बिंदुओं मेलवीए 2x वत्ता वाई बराबर 160 छे, बराबर। तो एना आलेख में आपने आ रीते बिंदुओं मळशे एक्स अने वाई, अने बीजू छे 2x वत्ता वाई बराबर 150। तो एक्स बराबर 0 लो तो डायरेक्ट वाई बराबर केटला मळशे 160। एक्स बराबर अहींया लई लो हूँ 80, तो 80 दू 160, तो y बराबर केटला मळशे 0। हवे x बराबर लो लो 50, तो 50 दू 100, 160 मां बात थशे एटले मळशे 60। आ रीते कोई पण किंमत लई शको, बराबर विद्यार्थी मित्रों। x अने y, x ની કિંમત લઉં 70 દૂ 140, તો y બરાબર મળશે 10। x ની કિંમત લઉં 50 દૂ 100, તો y બરાબર મળશે 50। એક્સ ની કિંમત લઉં 40 દુ 80, તો અહીંયા મળશે આપણને 70। હવે આનો આપણે આલેખ જોવાનો છે। તો વાય એક્સ ઉપર આપણને 160 જેવા મળે છે, બરોબર, અને બધા ધન છે। તો અહીંયા આપણે વાય એક્સ ઉપર ખૂબ જ વધારે સુધી ઉપર જવું પડશે 160 સુધી, બરોબર છે। તો 0 છે અહીંયા, વાય ડેશ થશે અહીંયા, વાય થશે અહીંયા, એક્સ ડેશ અને અહીંયા થશે એક્સ,
तो पहला तो अहीं आपणे ए मेळवी लईए, एकसठ ऊपर एसी सुधी छे, दस वीस त्रीस चालीस पचास साठ सित्तेर एसी अने नेव, बराबर। ज्यारे अहीं आपणे जवानुं छे एक सौ ने साठ सुधी, ध्यान राखजो। तो दस वीस त्रीस चालीस पचास साठ सित्तेर एसी नेव सौ एक सौ दस एक सौ वीस एक सौ त्रीस एक सौ चालीस एक सौ पचास अने एक सौ ने साठ, बराबर। त्यां सुधी आपणे दर्शावीए छे। पहेलो बिंदु छे जीरो अने एक सौ साठ, तो पहेलुं ज बिंदु आपणने आ मळी जशे, जीरो एक सौ साठ। बीजुं छे एसी अने जीरो, तो अहींया मळशे, बराबर, एसी अने जीरो। अने बीजुं छे पचास अने साठ, तो अहींया वच्चे आवशे, आ पचास छे अने अहींया साठ, बराबर। तो आने विद्यार्थी मित्रों आपणे जोडशुं तो आ रीते आमांथी पसार थशे, तो आ आपणने रेखा मळशे पहेली, टू एक्स प्लस वाय बराबर एक सौ ने साठ। बीजू छे एक्स बराबर सित्तेर वाय बराबर दस, एक्स बराबर सित्तेर वाय बराबर दस, तो ये बिंदु अहींया ज आवशे, बराबर, सित्तेर अने दस, पछी पचास अने पचास, तो ये बिंदु अहींया आवशे आनी नीचे, बराबर, पचास पचास, अने पछी छे चालीस अने सित्तेर, तो चालीस अने आ सित्तेर, तो ए रेखा पण आनी जेम ज आनी नजीक थोड़ीक आवशे अने आगळ जता ए बंने लगभग छेदशे, तो टू एक्स प्लस वाय बराबर एक सौ पचास। तो आ रीते आपणने आनो आलेख मळे छे। तो थैंक यू विद्यार्थी मित्रों, आवा नवा वधारे वीडियो लेक्चर जोवा माटे चेनल ने लाइक सब्सक्राइब अने शेर करवानुं भूलशो नहीं।